Hi everyone, my name is Anjan Sharma. Welcome to the channel CBSE Explosion and I am your science educator. So, आज हमने पढ़ना है मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट चैप्टर. जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट रुको. हाय योगिता, हाय नीतू, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? ओके, बाकी लोगों को भी बुला लो, अपने दोस्तों को. सो दोज हु डोंट नो मी, I have done my graduation in BSc non-medical and I have 1+ years of teaching experience. आज हम करने वाले हैं मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट. ये साइंस का चैप्टर है और इसका हम कुछ पार्ट आज करेंगे, कुछ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओह, कैसा हुआ फिर आपका फाइनल एग्जाम नीतू? हाय सुमन, हाउ आर यू? कैसा हुआ आपका फाइनल एग्जाम? ओके, ओके श्रुति, तो यू पीपल आर नाउ रेडी टू गो गेट प्रमोटेड टू क्लास 7th, है ना? 7th क्लास में जाने के लिए सब लोग तैयार हैं और एक्साइटेड हैं. इजी एंड लेंथी तो पूरा हो गया, अगर लेंथी था तो. चलो स्टार्ट कर दी. यस, इन 7th. तो अभी तो हम ये कर रहे हैं 6th का, लेकिन हम इसके बाद बहुत जल्दी 7th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ज्यादा आसानी रहे. ठीक है, टाइम से. अच्छा, वेरी गुड. हाय प्रीत. ओके, तो व्हाट इज हीट? हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा है, या हीट नाम. हाँ, 15 मार्च से हम 7th का स्टार्ट कर देंगे. हीट क्या होती है? हाँ, ये 8th का है, आई नो, लेकिन मुझे किसी ने बोला था कि करवा देना, तो आई जस्ट. हाय प्रीत, कैसे हो आप? बताओ हीट क्या होता है? हीट तो सबने कभी ना कभी सुना ही होता है. हीट हम बहुत अपने आम जिंदगी में इस शब्द को यूज करते हैं. हीट क्या होती है? एनर्जी, वेरी गुड. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो क्या करती है? अब देखो, अब अगर आप चाय पीते हो या दूध पीते हो या गर्म पानी होता है ना या खाना गर्म होता है, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ना वो ठंडा हो जाता है ना. जब खाना बनता है तब तो उससे बिल्कुल धुआं, ऐसे वेपर्स निकल रहे होते हैं बाहर, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो ठंडा हो जाता है. होता है ना ऐसा ही. वो क्यों होता है? क्योंकि हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो जाती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे. ठीक है, अब जैसे ये देखो, चाय जब गर्म होती है तो चाय से ऐसे वेपर्स बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद चाय ठंडी हो जाती है तो वेपर्स निकलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफर हुई कहाँ से? कप का टेम्परेचर क्या था? हायर टेम्परेचर. ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर हुई? लोअर टेम्परेचर पे.
हाँ है ना, वैसे ही जब हमें फीवर होता है हम थर्मामीटर को यूज करते हैं ताकि हमें फीवर का टेम्परेचर का पता चल सके, क्योंकि ये जो मर्करी होता है ये राइज कर जाता है हमारी बॉडी की हीट से। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। समझ में आया इतना? चलें आगे। चलो टेम्परेचर क्या होता है, अब टेम्परेचर बता दो क्या होता है। बाद में जाके देखना आप, जब भी फूड को देखना हो तो। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ठीक है ये तो होता है, लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ओके टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। तो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हमें टेम्परेचर से मालूम पड़ता है कि कोई भी चीज़ गर्म है या कोई ऑब्जेक्ट या किसी जगह का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट जो है वो गर्म है या ठंडा है, हॉट है या कोल्ड है। उस वो हमें किससे पता चलता है? टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम तीन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तीन यूनिट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर हम डिग्री सेल्सियस की, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। जब भी हम नॉर्मल वेदर को भी चेक करते हैं तब भी हम डिग्री सेल्सियस में ही करते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस था। तो अब जैसे अब देखो मैथ्स में क्या होता है, हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कर सकते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर सेल्सियस है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं? इंटरचेंजेबल हैं, इनको एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं? देखो अगर हमें केल्विन को हम किससे लिखते हैं? के से, फ़ारेनहाइट को एफ से और सेल्सियस को सी से। ठीक है, अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तो केल्विन इज इक्वल्स टू सी प्लस 273.15 करना पड़ेगा हर एक के लिए, कोई भी हो। अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब अगर हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, हमने मैथ में पढ़ा हुआ है ना कि मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं हम, वैसे ही सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, या सबको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला दो लिखे हुए हैं नीचे, इनको इस्तेमाल करके हम चेंज करेंगे। ठीक है, इनके बेसिस पे हम आज दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है 6th क्लास में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, मतलब उसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा कब? जब हम उसको हीट करेंगे। हीट करने से होता क्या है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना हीट करने पे। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, अगर हम ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो जब ये टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तब ऐसा क्या हो रहा है कि इसका साइज बड़ा हो रहा है ना, वो हमें अब पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है।
चलो जो हीट होती है, दूसरा जैसे अगर हमें एक जगह से, अगर हमें इस पेन की लेंथ को मेजर करना है तो इसको हम सेंटीमीटर्स में करेंगे, ठीक है। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना हो तो हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे स्केल से, क्योंकि ये बहुत छोटी सी है, इसको सेंटीमीटर में किया जा सकता है। उसी तरह से हीट को मेजर करने के लिए हम दो तरह की यूनिट्स को यूज कर सकते हैं, एक जूल्स को और एक कैलोरीज को, ठीक है। जूल्स क्या, एसआई यूनिट, मतलब हीट को, हीट को अगर हमें मेजर करना है ना, जैसे अगर हमें किसी भी चीज की लेंथ मेजर करनी हो तो हम, अगर हमें इस पेन की लेंथ मेजर करनी है तो हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, है ना, स्केल से। लेकिन अगर हीट को मेजर करना है तो उसकी क्या यूनिट्स है, जूल्स एंड कैलोरीज। यस यस दीपेंद्र, यस आई लेफ्ट अन अकेडमी। अब जैसे सेंटीमीटर और मीटर जो है इनकन्वर्टेबल होते हैं, एक तरह से दूसरी तरह में कन्वर्ट हो रहे हैं। बेटा ये ना एट्थ क्लास का चैप्टर है, तो आप समझना चाहो तो बिल्कुल समझ सकते हो, लेकिन किसी को डाउट था, किसी ने बोला था कि ये करवा दो, तो आई एम टेकिंग दिस सेशन, ठीक है। हम सिक्स भी करेंगे, सेवन्थ भी करेंगे और एट्थ भी करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें कैलोरीज को जूल्स में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, वन कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स, ठीक है। जैसे कि वन मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही वन कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज करने का तरीका। अब सोर्स ऑफ हीट क्या होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ सोच रही थी कि हम ना आस्क मी एनीथिंग सेशन कर लेते हैं एक बारी, कर लें। बताओ क्या हम आस्क मी एनीथिंग सेशन कर लें, कब करें, कब करें। यस मेंटी भी रखना, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेंटी अगर हम सेवेंथ क्लास में करें ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सबके अब एग्जाम्स तो हो चुके हैं, है ना। सिक्स क्लास के तो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं एग्जाम्स, तो अब सिक्स का मेंटी करके आप लोग क्या करोगे, कल परसों। ओके कल तो नहीं होगी क्लास, मैं आपको जल्दी अपना टाइम टेबल शेयर करूंगी, ठीक है। तो जब जब क्लास होगी तब तक हम करेंगे, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो कि आप लोग मुझे एट्थ के लिए मेंटी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फाइनल एग्जाम्स ऑलरेडी होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो अभी मेंटी करके तो कोई फायदा ही नहीं है, और अभी इतने ज्यादा बच्चे आ भी नहीं रहे हैं, है ना। सेवेंथ को रख लेना आस्क मी एनीथिंग, बट सेवेंथ तो चली गई है ना, आज तो ट्वेल्थ है। तो हम मेंटी भी प्लान करेंगे, सब कुछ प्लान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे आप लोग बताओ सोर्सेज ऑफ हीट क्या क्या होते हैं। हाँ 15th मार्च को देखते हैं, सोर्सेज ऑफ हीट क्या क्या होते हैं। मेंटी के लिए सारे भागकर आएंगे, तो वैसे क्यों नहीं आते भागकर।
ठीक है। सोर्सेज ऑफ हीट क्या क्या होते हैं? सन, क्योंकि सन से हमें सोलर एनर्जी मिलती है, सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ हीट है वो तो सन है। वेरी गुड। उसके बाद अर्थ, अर्थ का जो सेंटर पार्ट है वो बहुत ज्यादा गर्म है या उससे हमें बहुत ज्यादा हीट मिलती है, और जो अर्थ के से हमें एनर्जी मिली होती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी हमें अर्थ से मिलती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वुड को बर्न करते हैं या फिर पेट्रोल को बर्न करते हैं, ये सारे क्या है, फ्यूल्स। जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनसे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है और हीट भी मिलती है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो हीट एनर्जी तो अपने आप ही निकलती है ना उसमें। एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं पसंद, बट अभी जब आप नई क्लास में जाओगे, नए सेशन में जाओगे, तब तो आपको एक्सप्लेनेशन आएगी, तभी मेंटी के आंसर्स आएंगे ना। अभी तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि सिक्स्थ क्लास का तो सबने पढ़ रखा है, अभी सेवन्थ का थोड़ी पढ़ रखा होगा, है ना, या नाइन्थ का थोड़ी पढ़ा होगा, तो वो पढ़ोगे तभी मेंटी कर पाओगे ना। चलो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमारे घर में, सबके घर में क्या होता है, गीजर होता है, प्रेस होती है ना। अब वो सब क्या यूज करते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब यूज हो रही है उसमें से हमें हीट एनर्जी मिल रही है ना। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है तो हीट एनर्जी हमें मिलती ही मिलती है। या फिर अगर आपका टेलीविजन है या ट्यूबलाइट अगर बहुत ज्यादा देर तक चले तो वो भी गर्म हो जाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी हमें हीट एनर्जी मिलती है, एटॉमिक एनर्जी से भी हमें हीट एनर्जी मिलती है, और एयर के अंदर भी बहुत सारी हीट प्रेजेंट होती है। तो ये सारे क्या है, सोर्सेज ऑफ हीट। रिलेटिव सेंसेशन, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, जब हम किसी भी चीज को बर्न करेंगे, फ्यूल को बर्न करेंगे, तो उसमें जो है केमिकल रिएक्शन होगी। उस केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई चीज जलती है, बर्न होती है, तो हीट एनर्जी तो निकलती है ना, तो हमें हीट एनर्जी वहां से भी मिलेगी। ठीक है, रिलेटिव सेंसेशन। रिलेटिव सेंसेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना तीन बीकर्स हैं, ये सिंपल सी एक्टिविटी है, अब आप लोगों ने पहले क्या करना है, हाँ बोनफायर, बिल्कुल सही, आपने अपना हाथ, एक हाथ बीकर ए में डाला, एक हाथ बीकर बी में डाला, ये सिक्स्थ क्लास में भी है एक्चुअली। जब आपने बीकर ए में डाला तो आपको पानी गर्म लगा, आपने बीकर बी में डाला तो पानी ठंडा लगा, है ना। 2 मिनट के लिए इसको रखोगे, फिर आप दोनों अपने हाथ निकालोगे और बीकर सी में डालोगे, तब आपके लेफ्ट हैंड को लगेगा कि पानी ठंडा है और राइट हैंड को लगेगा कि पानी गर्म है। ठीक है, रिलेटिव सेंसेशन मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर तो वही है ना। अब देखो ये वाले बीकर में जो पानी है उसका टेम्परेचर तो वही है इस हाथ के लिए भी और उस हाथ के लिए भी, लेकिन इस हाथ को वो चीज ठंडी लग रही है और इस हाथ को वो चीज गर्म लग रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, रिलेटिव सेंसेशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम टेम्परेचर को, किसके टेम्परेचर को, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, जब हम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को कंपेयर करते हैं तब उसको हम रिलेटिव सेंसेशन बोलते हैं।
सेंसेशन क्यों? क्योंकि हम सेंस कर रहे हैं, अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है, चले आगे। अब है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। अब देखो, इसको ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब हर एक चीज हमारे यूनिवर्स में, जितनी भी चीजें हैं, वो किससे बनी होती हैं? एटम्स से। उनके अंदर क्या होते हैं? एटम्स। ठीक है, एटम्स आर देयर हर एक चीज के अंदर। अब वो एटम्स क्या करते हैं? पहले तो सिंपल ऐसे पड़े हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, या फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का टेम्परेचर, जगह का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो उसको हीट अपने आप मिल जाएगी, तो ये एटम्स क्या है? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब ये एटम्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो एनर्जी होगी उनकी, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जो किस वजह से होती है कि वो कितना मूव कर रही है, या उसके जो पार्टिकल्स हैं, या उसके अंदर जो भी जिस भी चीज से वो बना हो, वो कितना मूव कर रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलते हैं? जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, स्टोर्ड रहती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो एक हाइट पे पड़ा हुआ है, एक हाइट है उसकी, मतलब ऊंचाई पे है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब जब तो ये एक है हायर टेम्परेचर, एक है लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होगा, जो एटम्स हैं या वो तभी मूव करेंगे, इसमें तो मूव नहीं करेंगे या बहुत कम मूव करेंगे। जब हाई टेम्परेचर होगा, इनकी जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है मूव करने की, वो भी ज्यादा होगी, और यहाँ पे उनकी स्पीड मूव करने की कम होगी। नहीं, एटम्स मूव हुए उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलते। किसी भी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, तो जो एनर्जी उसकी मोशन की वजह से है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, किसी भी बॉडी में अगर उसके मोशन की वजह से, अब जैसे मैं यहाँ से चल के वहां पे जा रही हूँ, दूसरी जगह किसी और डिस्टेंस पे जा रही हूँ, तो मेरे पास क्या है? मेरी एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, कार है, बस है, ट्रेन है, वो मूव करके जाती है, उसका मोशन होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, क्या पढ़ना है? टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब हम लेंगे दो ऑब्जेक्ट। अब मैं कैसे मूव करूंगी? मैं यहां से वहां जाऊंगी, खुद से मूव करूंगी, या कार कैसे मूव करेगी, है ना? कार कैसे मूव करती है, या पानी जब बॉयल होता है, जब आप पानी बॉयल करने के लिए रखते हो, तो उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स आने लग जाते हैं ना, जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो पानी को, तो उसके अंदर बबल्स आ गए, तो वो मूव करने लग गए, उसके जो पार्टिकल्स हैं, तो सबका मूव करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, एक है पार्टिकल ए और एक है बी। ठीक है, इन दोनों का मास जो है, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, एक ए और एक बी। मास ऑफ पार्टिकल ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ पार्टिकल बी, ये ध्यान में रखना। अभी अभी हम कुछ करेंगे। ठीक है,
तो अगर इसका मास ज्यादा है तो इसके अंदर जो एटम्स हैं वो भी ज्यादा होंगे, है ना. नंबर ऑफ एटम्स विल ऑल्सो बी ग्रेटर इन ए, है ना. अब अगर हम दोनों को सेम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, ए का टेम्परेचर भी सेम है और बी का टेम्परेचर भी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी ए की ज्यादा होगी बी से, ठीक है. पार्टिकल ए की काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल बी से ज्यादा होगी, हाँ, क्योंकि मास ज्यादा है, ठीक है. तो टेम्परेचर से, क्योंकि इसको इसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसकी मूवमेंट भी ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी. अब है थर्मामीटर, इसकी किससे थर्मोमीटर हम लोगों ने देखा, बहुत सारे थर्मोमीटर्स आजकल आने लगे हैं. ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसका मैंने आपको इमेज ड्रॉ करके दिया है. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक बल्ब होता है, ठीक है, एक मरकरी होता है. आजकल मरकरी की जगह पे अल्कोहल इस्तेमाल करना करने लग गए हैं हम, क्योंकि मरकरी जो है हमारे लिए डेंजरस था, ठीक है. हाँ, इसको हम बोलते हैं थ्रेड, ये जो बारीक सी लाइन है, इसके अंदर एक बेंड होता है, इसको हम किंक भी बोलते हैं, ठीक है. बेंड और किंक, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम नॉर्मली, अगर हमें टेम्परेचर होता है तो हम इससे टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, ठीक है. दूसरा आजकल आता है ऐसा डिजिटल थर्मोमीटर. अब इसमें तो डिजिट्स आते हैं, इसमें कोई मरकरी तो होता नहीं, ना अल्कोहल होता है ना मरकरी होता है. अल्कोहल उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, नहीं. अब देखो डिजिटल थर्मोमीटर में डिजिट्स आते हैं, ये सबको मालूम है ना. लेकिन वो फिर काम कैसे करता है, उसके अंदर सेंसर्स होते हैं, ऐसे सेंसर्स जो कि हीट को मेजर कर सकते हैं, हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं, ऐसे सेंसर्स होते हैं. तो दिस डिजिटल थर्मोमीटर वर्क्स ऑन सेंसर्स, ठीक है. उसके बाद एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर भी होता है और मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर भी होता है. मैक्सिमम एंड मिनिमम, दिस इज थर्मोमीटर. दैट इज यूज टू मेजर. एक दिन में कभी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा. जैसे सनसेट के टाइम पे टेम्परेचर कम होगा, आफ्टरनून में टेम्परेचर ज्यादा होगा. तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर को हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक दिन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करना हो. तो अलग अलग टाइप हैं इसकी थर्मामीटर्स की भी, जो हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, अलग अलग काम होता है उनका, ठीक है. अब आ गया न्यूमेरिकल पार्ट. ये मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमने सॉल्व करना है अभी. How much will be the temperature of 68 Fahrenheit in Celsius and Kelvin? हमें ये दे रखा है Fahrenheit में, हमें इसको change करना है Celsius और Kelvin में. तो अभी देखते हैं ये कैसे होगा. कोई भी जब हम numerical solve करते हैं या maths का question भी solve करते हैं ना, तो जो हमें दिया होता है ना question में, हम पहले उसको लिखते हैं, ठीक है. जैसे कि हम लिखेंगे गिवन, यहां पे हमें क्या गिवन है, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर विच इज इक्वल्स टू 68, ठीक है. अब हमें निकालना किसका है, सेल्सियस का भी फाइंड आउट करना है और केल्विन का भी फाइंड आउट करना है ना. ये हमारे पास है नहीं. तो अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, एफ -32/9 = C/4.
5, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में देखो, फ़ारेनहाइट दिया और सेल्सियस दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास है 68 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 5, ठीक है। तो क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, 5 मल्टीप्लाई 36 बाय 9 और सेल्सियस की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अब हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर लिया, अब हमने केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन के लिए हमने क्या पढ़ा था, C प्लस 273.15। अगर हमें केल्विन में वैल्यू चाहिए तो हमें सेल्सियस की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसीलिए हमने पहले सेल्सियस की वैल्यू निकाली। तो हम पुट करेंगे 20 प्लस 273.15, केल्विन्स में क्या आएगी 293.15, ठीक है। डन, समझ में आया ये सबको। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट वाला करें। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स वैल्यू बी सेम इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब एक कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जब वैल्यू सेम होगी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की, मतलब हमें एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाए, वो कब होगा, ठीक है। वो करते हैं, लेट टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। फ़ारेनहाइट में देखते हैं F, ये दो चाहिए हमें। सेल्सियस में हमने सपोज कर लिया C है और फ़ारेनहाइट में F है, ठीक है। हमें फिर से वही रिलेशन लेना है, F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू C अपॉन 5। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि C शुड बी इक्वल टू F, ये हमें क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है। हाय लक्ष्मी, ठीक है, हमारी क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि सेल्सियस शुड बी इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो हम यहाँ पे एफ की जगह पे सी लिख सकते हैं, दैट मीन्स सी माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 5, ठीक है। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये आ जाएगा, सॉरी, 4c इज इक्वल्स टू माइनस 160 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 160 अपॉन 4 इज 40। तो सिंस c इज इक्वल्स टू f एंड माइनस 40, मतलब जब 40 डिग्रीज पे होगा तब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। सेम कब होगी, माइनस 40 डिग्रीज पे, ठीक है। समझ में आया ये, क्लियर। चलो ओके, अभी हम आज वाले सेशन में इतना ही करेंगे। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास या तो संडे को होगी या मंडे को होगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अब हम जल्दी स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का नेक्स्ट सिलेबस, जो नया है, जो 6th वाले स्टूडेंट्स 7th में जाएंगे उनका सिलेबस, ठीक है।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हो। हाँ, संडे को देख सकते हैं, लेकिन कल नहीं होगी ये पक्का है, ठीक है? ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से ज़्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सेशंस को अटेंड करें। किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग टेलीग्राम पे बताओ, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है? सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।